भारतीय टीम आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है। ये टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच है, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के लिए ये टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा खास है। उसकी एक वजह है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर और मैं हूँ आपके साथ आदित्य तिवारी। भारतीय टीम के लिए जब कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलना शुरू करता है तो वो 100 टेस्ट मैच खेलने की इच्छा रखता है और इसी उपलब्धि को हासिल करने की अपने पूरे करियर में कोशिश करता हुआ नज़र आता है, लेकिन अधिकतर खिलाड़ी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में भारतीय टीम में 99 टेस्ट मैच खेल चुके तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा आज अपना 100वां टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रहे हैं। ईशांत शर्मा के 100वें टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि पर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पहले मोटेरा स्टेडियम था, उसमें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईशांत शर्मा को इसी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। इस दौरान भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी ईशांत शर्मा को इस उपलब्धि के लिए कैप देते हुए बधाई दी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ मात्र 18 साल की उम्र में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। इतने साल बीतने के बाद आज 24 फरवरी को अहमदाबाद में ईशांत शर्मा अपना 100वां टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको बता दें कि वो कपिल देव के बाद 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हो गए हैं। ईशांत शर्मा भारत के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट करियर में 100 टेस्ट मैच खेलने का आंकड़ा छुआ है। भारत की तरफ से सबसे पहले यह आंकड़ा सुनील गवास्कर ने 1984 में छुआ था। वहीं उसके बाद 1988 में दिलीप वेंगसरकर ने भी ये उपलब्धि अपने नाम की थी। ईशांत शर्मा ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। तो वहीं बतौर तेज गेंदबाज कपिल देव ने पहली बार 100 टेस्ट मैच खेलने का कमाल 1989 में किया था। वो आपको उन 11 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं। सुनील गवास्कर 1984, दिलीप वेंगसरकर 1988, कपिल देव 1989, सचिन तेंदुलकर 2002, अनिल कुंबले 2005, राहुल द्रविड़ 2006, सौरव गांगुली 2007, बीवीएस लक्ष्मण 2008, वीरेंद्र सहवाग 2012, हरभजन सिंह 2013 और ईशांत शर्मा 2021। हरभजन सिंह के बाद ईशांत शर्मा पहले से खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने का आंकड़ा पार किया है। ईशांत शर्मा के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने इससे पहले 99 टेस्ट मैच में भारत के लिए 302 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन एक पारी में 74 रन देकर 7 विकेट रहा है। वहीं एक टेस्ट मैच में उन्होंने 108 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 11 बार 5 विकेट तो एक बार 10 विकेट लेने का कमाल किया है। वहीं भारत के लिए उन्होंने 80 वनडे और 14 T20 मैच भी खेले हैं। इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए पहला विकेट ईशांत शर्मा ने हासिल किया। उन्होंने सिबली को पवेलियन भेजा था। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने भले ही टॉस जीता हो, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज नतमस्तक हो गए। वीडियो के बनते समय तक इंग्लैंड की टीम ने 100 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए हैं। भारत के लिए ईशांत शर्मा ने एक तो अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। वहीं लोकल बॉय अक्षर पटेल ने इस मैच में अभी तक 4 विकेट चटकाए हैं। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा मुश्किल में नजर आ रही है। इस मैच के बारे में और खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। क्रिकेट से जुड़े और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए फ़ौरन सब्सक्राइब करें क्रिकेट एडिक्टर और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।